सलाह किस व्यक्ति से लेनी चाहिए, ये हमेशा हमारा जो माइंड होता है और जो हमारा जीवन होता है इस बात के पीछे हमेशा कन्फ्यूज रहता है। कैसे, वो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि सलाह किन व्यक्तियों से लेनी चाहिए हमें। देखो पहले तो बात करते हैं आपको सलाह लेनी कैसी है, उस पर बात करते हैं। यदि हम लोग बात करें एडवाइस की, तो एडवाइस में आपको एक तो होती है गुड एडवाइस लेनी है, आपको एक होती है बैड एडवाइस लेनी है। अब बात ये होती है कि सर बैड एडवाइस तो कौन लेगा, अच्छी एडवाइस लेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा दोनों में कि आप कहीं कहीं आप गुड एडवाइस ले लेते हो और कहीं कहीं आपकी बैड एडवाइस होती है, लेकिन आपको उस समय लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी एडवाइस है। तो देखो पहले बात करते हैं हम लोग गुड एडवाइस के बारे में कि गुड एडवाइस क्या होती है। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है गुड एडवाइस की बात करें हम लोग कि देखो, एक तो यदि मान लो आपको कुछ बनना है, सर्विस लगना है या बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो व्यक्ति क्या होता है कि कुछ सीखने की उसमें चाह होती है कि मेरे को ये बनना है, तो मेरे को इस तरह से, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को IAS या RAS बनना है, तो वो क्या करेगा, किसी कोचिंग सेंटर से या मान लो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेगा, ऐसे फ्रेंड से बात करेगा या अपने गार्जियन से बात करेगा या किसी टीचर से बात करेगा कि मेरे को RAS बनना है, मेरे को क्या करना चाहिए। तो अपने अपने लोग क्या करते हैं, राय देते हैं। देखो कुछ राय आपको गलत भी मिलती है, जो जिलस करते हैं आपसे वो तो आपको राय गलत ही देंगे इसके बारे में, और जो ज़्यादातर जो राय होती है पढ़ाई के बारे में या वो अच्छे है, तो वो ज़्यादातर आपको, मेरा मानना है कि 70% आपको सही राय मिलती है और 30% हो सकता है आपको गलत राय मिल जाए इसके बारे में। लेकिन जो गलत राय दे रहे हैं वो आपको जिलस के कारण दे रहे हैं, बाकी आप में आपको पता भी लग जाएगा उस राय के बारे में कि ये सलाह सही है या गलत है, तो उसके बारे में आप पता लगा सकते हो और आपको पता भी लग जाए कि ये व्यक्ति मेरे बारे में कैसा सोच रहा है। तो आपको राय हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लो जिस काम में, जैसे मान लो आपको बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस वाले व्यक्ति के पास जाओ आप और उसके पूछो कि मेरे को ये बिजनेस है, और आप देखो पहली बात ही आप, मैंने कहा कि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस वाले व्यक्ति के पास, यदि सर्विस करनी है तो सर्विस वाले व्यक्ति के पास जाओ। अब बात सर्विस में भी, वो कौन सी तरह की आपको, जैसे मान लो आपको पुलिस में जाना है, तो पुलिस में भी आप उन व्यक्ति से सलाह लो जो पुलिस में पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना, या मान लो पुलिस के विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता है और या पुलिस की वैकेंसी के बारे में उसको पूरा नॉलेज है कि ऐसे ऐसी होती है। यदि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन के पास जाओ और उससे सलाह लो। यदि मान लो आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आप सलाह किसी टीचर से ले रहे हो कि भाई ऐसे ऐसी मेरे को बिजनेस है, या मान लो ऐसे व्यक्ति से ले रहे हो जो खुद एक सर्विस नौकरी कर रहा है कहीं पर, तो वो आपको जो सलाह है मेरे हिसाब से वो मजबूत सलाह नहीं है आपके लिए, वो थोड़ी कमज़ोर सलाह होती है आपके लिए। तो हमेशा ध्यान रखो जिस लेवल पर आपको पहुंचना है उस लेवल के व्यक्ति से ही आपको बात करनी चाहिए सलाह के मामले में, ये हो गए। और वो व्यक्ति आपको जो सलाह देगा वो हमेशा ध्यान रखो अच्छी सलाह होती है, वो आप उस लेवल पर पहुंच पाओ या ना पाओ तो इससे ये साबित नहीं होगा कि उसकी सलाह गलत थी, नहीं। आपको उसमें क्या है, देखो सलाह लेते सबसे लेनी चाहिए, हर व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, लेकिन आप में हमेशा ध्यान रखो सलाह लेने के बाद आत्ममंथन करना जरूरी है, उसका इंट्रोस्पेक्शन मन में जरूरी है कि ये सलाह सही है गलत है। यदि आप दूसरों के भरोसे चल रहे हो तो इसका मतलब आप खुद की सलाह जो मन दे रहा है आपको उसको इग्नोर कर रहे हो आप। तो इसलिए सलाह लेने के बाद आपको इंट्रोस्पेक्शन करना, अंदर ही अंदर आत्ममंथन करना है कि ये सलाह गलत है, सही है, या मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, या मैं इसको अपना सकता हूँ या नहीं अपना सकता हूँ, इसके बारे में हमें राय करनी चाहिए। दूसरी सलाह होती है हमारे पास बैड। बात ये होती है कि बैड क्या होती है, जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि बच्चों को जब टीचर सलाह देते हैं कि आपको ये नहीं, ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, वैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसमें क्या, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मस्ती पर जोर रखते हैं अपने, पढ़ने का उनको दिमाग में नहीं है, तो वो दूसरे वाले जो पढ़ते हैं ना उनको भी कहते हैं अरे सर का काम यही है, ये रोज़ ज्ञान ही देना होता है, तो इससे कुछ नहीं, मस्ती लेनी है अपने को। तो जो दूसरे व्यक्ति उसके जो बात सुन रहा है उसको ये लगता है कि नहीं ये सही कर रहा है, जो टीचर कह रहे हैं वो तो एकदम ऐसे फालतू की बात है, तो उसको टीचर की बात सुनने से अच्छा अपने फ्रेंड की जो बात है, जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसकी बात सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये जो सलाह होती है वो क्या होती है, बैड सलाह है, एडवाइस है। जो बैड जो एडवाइस होती है ना वो आपको, क्योंकि आप जब बच्चे हो तो आपको इंट्रोस्पेक्शन का नाम से आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या सही है क्या गलत है, टीचर आपको हमेशा राह दिखाता है, आपको राह हमेशा दिखाता है, और आप उस राह पर चलने की यदि कोशिश कर रहे हो तो आप गुड
सही रास्ते पर चल रहे हो। यदि टीचर आपको गलत रास्ता दिखा रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं। देखो 99% में केस में ये होता है कि टीचर आपको गलत रास्ता दिखाता नहीं है, ठीक है ना। और बाकी यदि मान लो आपको गलत रास्ता लग रहा है वो, तो हो सकता है कि उसकी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको गुड एडवाइस लेनी है तो आपको उस लेवल के आदमी से बात करनी है। यदि आपको ये पता लगाना है कि गुड है या बैड है, तो आपको उस व्यक्ति का लेवल देखो आप। यदि ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो घूम रहा है फिर रहा है, ठीक है ना, मस्ती ले रहा है और आपको एडवाइस दे रहा है, तो वो एडवाइस आपके लिए अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जो व्यक्ति आप खुद उस लेवल पर पहुंच नहीं पाया, वो आपको क्या पहुंचाएगा। तो इसलिए अच्छी एडवाइस लो आप किसी से भी, और अच्छे बनने की कोशिश करो। और आप भी आगे एडवाइस का कोई पैसे नहीं हमें लेने चाहिए, और ना ही हमें क्या है पैसे का इसका मोल भाव करना चाहिए इस चीज़ से। आपको एडवाइस यदि किसी की, आपके एडवाइस किसी के काम आती है, तो भरपूर रूप से दो उसको एडवाइस।